अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सबा स्टिचिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगी विद नाप। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी लेंथ मेयर करेंगे, ये कितनी है। हमें तो 41.5 इंच चाहिए थी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो टोटल इस कपड़े की 40.5 इंच है, 40.5। तो इसके नीचे अब हम लेस लगा लेंगे लेंथ पूरी करने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा नाप है। तो इसका जो गले का नाप है वो 6.5 इंच तैयार है। तो हम 6.5 इंच के हाफ पे हमने निशान लगाया। इसके बाद तीरा जो हमारा है वो 14 इंच तैयार है। तो 14 का हाफ 7 होता है, तो 7 में 1.5 इंच प्लस किया, तो 7.5 पे हमने मार्क किया है। 1 इंच का हम डाउन देंगे शर्ट के लिए, रिब में जो कटिंग बगी शोल्डर की। तो जो हमारा कंधा है वो 9 इंच है, तो हम ये 9 इंच पे ही मार्क करेंगे। उसके बाद ये 7.5 इंच हमारा तीरा था, तो हमने 7.5 इंच पे इसको स्क्वायर बनाने के लिए 7.5 इंच पे एक मार्क किया। और अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे कि चेस्ट कितनी है। चेस्ट हमारी 20 इंच है, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे 20 का हाफ। उसके बाद ये देखें, यहाँ से हम कंधे की गोलाई कर लेंगे, जो चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से। ये देखें, इस तरह से गोलाई होती है। तो इसके बाद हम इसको मेयर करेंगे कि ये हमारे कंधे की गोलाई पूरी है या नहीं। 9 इंच हमारा कंधा है, तो 9 इंच पूरा कि नहीं। उसके लिए 1/2 इंच उस के मार्क से छोड़ेंगे और 1/2 इंच इधर से छोड़ेंगे, जहाँ पे हमने कंधा जैसे स्टिच करना है वैसे। इस तरह फिर गुलाई में इसको नाप लेके चेक करते जाएंगे। ये देखिए, ये 10 इंच आ रहा है, लेकिन हमारा कंधा 9 इंच है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ये देखें, सेम उसी तरीके से 1/2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, 1/2 इंच इधर से छोड़ के। तो फिर इसी तरह गुलाई में चेक करेंगे। ये देखें, अब हमारा 9 इंच पूरा आ रहा है। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग करेंगे ऊपर वाली पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंधा ठीक आया। ये देखें, ये जो रेप का 1 इंच का हमने मार्क किया था गले के निशान तक, इसको मिला देंगे। 1 इंच का डाउन है जो, इसकी भी हम कटिंग करेंगे एंड पे। ये देखिए, वेस्ट का निशान जो है वो 6 इंच पे होता है, नॉर्मल हर साइज में, बड़ों के, बच्चों के नहीं। तो जो वो इसके वेस्ट का निशान हम 6 इंच पे लगाया, और जो चाक है वो चाक है तैयार 11 इंच है। तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, जो ऊपर से कंधे में आ जाएगा, तो 11 इंच तैयार रह जाएंगे। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो इनकी चेस्ट और वेस्ट बराबर है, 10 इंच ही वेस्ट है, तो 10 इंच पे ही हम मार्क कर रहे हैं। ये देखें, उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग के लिए, ये कटिंग का मार्क है, 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे, तो इनके हिप जो है वो 21.5 इंच है। तो 21.5 इंच को हम डबल करेंगे, इन स्टेप को इसके ऊपर रख के 21.5 पे रख के डबल करेंगे, तो जो आएगा हाफ उसका हम निशान लगाएंगे। उसके बाद ये देखें, हम अगर आपने पाइपिंग लगानी हो तो आप यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करेंगे, और अगर आपने लेस लगानी है तो आप नॉर्मल जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। उसके बाद जो इनका घेरा है, इन्होंने थोड़ा सा ए लाइन थोड़ी शेप में देना है। तो ये हिप के मुताबिक वैसे तो घेर होता है जो सीधी कमीज होती है उसका, तो थोड़ी सी ए लाइन है इनकी। तो इनका है
23.5 इंच, तो उसको हम डबल कर लेते हैं। तो डबल करके इसका जो हाफ निकलेगा उस पर हम मार्क करेंगे। ये देखें, ये तैयार मार्क है। इसमें भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग का देना है, तो इसमें भी हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये देखें, 1 इंच एक्स्ट्रा पे हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद ये देखें, ये जो हिप का निशान लगाया था हमने एक्स्ट्रा, वहाँ से लेके हम नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड स्टेप पर रख के, ऊपर से ऊपर के मार्क से नीचे के मार्क तक। चेस्ट से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चेस्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वेस्ट 2 इंच, और हिप 1/2 इंच या 1 इंच होता है नॉर्मल नाप में। तो ये देखें, चेस्ट को वेस्ट के निशान से मार्क किया हमने, और वेस्ट से हम हिप तक मार्किंग करेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगेगी इसी मार्क के ऊपर। तो ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा के हमने मार्किंग की थी, इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये देखें, ये ऊपर जो हमने डाउन दिया था 1 इंच का, इसकी हम रिब में कटिंग कर लेंगे, जो मार्किंग की थी इसके ऊपर ऊपर। उसके बाद हमने फ्रंट, जो फ्रंट आपकी साइड है ना, उसकी हमने डीप कटिंग करनी है। तो उसके लिए 5 इंच पे हम मार्क करेंगे लंबाई में, और चौड़ाई में आप 1 इंच 1/2 इंच रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनका 1/2 इंच रखा है। तो ये देखिए, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के, ये देखिए 1/2 इंच मैंने ऊपर का मार्क किया, वहाँ से नीचे के मार्किंग तक डीप कटिंग की तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली हमने, स्टेप रखे, और नीचे से यहाँ से हम गोलाई में थोड़ा सा इसको चेस्ट के निशान से पहले ख़त्म कर देंगे। चेस्ट के निशान को हम नहीं काटेंगे, चेस्ट का निशान बराबर रहेगा। ये देखें, फ्रंट की 2 साइडें हमने उठा ली हैं, देखिए बैक की हमने नहीं उठाई। ये देखें, ये हमारी डीप कटिंग हो गई है। इसके बाद ये देखिए, हमने जो ये फ्रंट पे मार्किंग की हुई है, वेस्ट की और हिप की और चेस्ट की, ये मार्किंग सेम नीचे उतारने के लिए हम देखें, ये सीजर की मदद से इसको निशान लगा रहे हैं। उसके बाद ये हम हल्का सा कट लगाएंगे हिप पे भी, और उसके बाद ये वेस्ट पे भी हम कट लगाएंगे। इससे ये होता है कि फिटिंग ठीक रहती है। कमीज़ ज़्यादा कपड़ा अगर बीच में हो तो फिर वो फिटिंग का मसला हो जाता है, वो सीधी नहीं होती। उसके बाद ये देखें, जो हमने कैंची की मदद से निशान लगाया था, उसके ऊपर हम क्रॉस बना रहे हैं। और सेम इसी तरह ये देखें, हम मार्क कर लेंगे इन निशानों के ऊपर, एंड स्टेप रख के केस के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अगर आपकी कटिंग ठीक हो तो आपको सिलाई में बिल्कुल भी मसला नहीं होता, परफेक्ट कटिंग किया करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।